नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूनिक परिवार में। और बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि आप लोगों को आज एक चीज की इंफॉर्मेशन जरूर दे दूंगा कि ओ लेवल को कैसे पास करें, उसका ट्रिक क्या है, क्योंकि इसके एग्जामिनेशन हर 6 महीने बाद लगे होते हैं। जुलाई जनवरी, ये तो आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो जा करके कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ ओ लेवल का वीडियो देख लेना, इसके बाद इस वीडियो को देखो। बता दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं लाइक शेयर करने की, बस देख लो। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 100% अगर ये रूल अप्लाई करोगे तो दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और सिर्फ मैं ओ लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे एग्जामिनेशन में यही रूल्स अप्लाई होते हैं। बस मैंने ओ लेवल का टाइटल लिखा है, स्पेशली ओ लेवल के बच्चों की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सबके लिए 100% अप्लाई होता है। अगर आप इसे करोगे तो समस्या कभी नहीं होगी, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप यस ग्रेड लेके आओगे। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए मैं रत्नाकर उपाध्याय आप लोगों का अपने यूनिक परिवार में स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कि ओ लेवल का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले हमारे पास ट्रिक, हम लोगों को देखेंगे कि कैसे हम लोग पास करें। तो देखो, सबको पता है कि जो ओ लेवल का आपका एग्जाम होता है, ओ लेवल का एग्जाम 2 सेमेस्टर में होता है, 1 जनवरी में होता है, 1 जुलाई में होता है। 1 जनवरी में होता है और 1 जुलाई में होता है, 2 सेमेस्टर में एग्जाम इसका होता है। अगर मैं बात करूं ट्रिक की, तो ट्रिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ओ लेवल मस्ट हो गया है। तो सबसे पहले ट्रिक में बता रहा है कि क्रिएट शॉर्ट नोट। क्या कह रहे हैं? क्रिएट शॉर्ट नोट। देखो भाई, सीधी सी बात है, आप कोई भी चैनल पढ़ रहे हो, कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से नोट से भी पढ़ रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक काम जरूर करना, जब पढ़ते रहना ना, उसी टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, उस नोट्स को शॉर्ट्स में लिखने की एक हैबिट बना लो। तो क्या होगा ना, जब आप नोट्स बना लोगे तो जब उसे रिवाइज करोगे ना, तो मजा आ जाएगा रिवाइज करने में। जैसे रिवाइज करोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, और जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर तो मजा तो आना ही आना है। तो शॉर्ट नोट अगर बनाओगे तो डबल इंजन की सरकार ने डबल फायदा होने वाला है। देखो, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे भाई, ठीक है। चलो, इसके बाद की बात करें, दूसरे की बात करें, तो दूसरा है आपका सिलेबस। यार, लोगों की एक बहुत बड़ी गलती होती है, पता है क्या, वो सिलेबस नहीं देखते। वो ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे ये चीज बता दी गई है, ऑफलाइन टीचर ने ये बता दिया है, बस। मेरे भाई, एक बात जरूर ध्यान में रखना कि सिलेबस जरूर देखा करो। बिना सिलेबस देखे अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, और बड़ी भयानक कुल्हाड़ी मार रहे हो, 5 किलो वजन वाली। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कि सिलेबस को जरूर देखें, जरूर देखें सिलेबस, क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में आएगा जिस कॉन्सेप्ट के बारे में किसी यूट्यूबर ने ना पढ़ाया हो, किसी ऑफलाइन टीचर ने ना बताया हो। बात समझ में आई? उसे भी आप जरूर देखोगे। तो एकदम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेना कि सारे लोग सिलेबस जरूर मेंटेन कर लेना, बिना सिलेबस देखे किसी भी चीज की तैयारी ना करो। और अगर फ्री में सिलेबस चाहिए ओ लेवल का, तो कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ और वहां पे ओ लेवल विथ रत्नाकर सर को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। ओ लेवल विथ रत्नाकर सर या यूनिक ऑनलाइन गुरु, दोनों में से कुछ भी आप ज्वाइन कर लो, दोनों जगह फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस अवेलेबल है, और बहुत सारे पीडीएफ भी आपको इस पर मिल जाएंगे। यहां पे आपको फ्री में बहुत सारे पीडीएफ
मिल जाएंगे, तो सिलेबस जरूर देखें। तीसरी चीज है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि ट्राई टू यूज फ्लो चार्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं डायग्राम्स अगर हम लोग बनाए तो बहुत मजा आने वाला है। कैसे? देखो एक चीज जान लो, आप एक कॉन्सेप्ट आप यहां पे जान लो कि अगर कोई भी आप टॉपिक जानते हो या पढ़ते हो या उसको नोट्स बनाते हो तो एक कोशिश जरूर करना, अगर वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कर दिए तो जो एग्जामिनर रहेगा वो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये बंदा रटा हुआ नहीं है, समझा हुआ है, क्योंकि डायग्राम वही बना सकता है जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ये ना कि सिर्फ और सिर्फ रट करके वो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हो। तो डायग्राम वही बना सकता है जिसको मैटर पूरा समझ, एकदम इजी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल की बात अगर हम करें, मान लो पूछ दिया इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप डाल दो इनपुट, दूसरा आप डाल दो प्रोसेस और तीसरा आप डाल दो आउटपुट, आप तीन चीजों को यहाँ पे इनबिल्ड कर दो। लो ये देखो डायग्रामेटिक हो गया। अब इसके बारे में लिख दो कि इनपुट क्या करता है, चीजों को इनपुट लेने काम करता है, प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेसिंग काम करता है, आउटपुट क्या करता है, मैं रिजल्ट देने का काम करता है। अब आप लिख दो, ये आपका बहुत काम करेगा। तो कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो डायग्रामेटिक कोशिश करो कि जरूर यूज करो ताकि उस एग्जामिनर को सेटिस्फैक्ट्री एक आंसर मिल सके। बात समझ में आई? नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट कह रहा है यहां पे कि आप जो है यहां पे ध्यान दो, ऑप्शनल में 35 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चले। एक बात जान लो, आपको पता है कि ओ लेवल के एग्जाम में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, ये बात आपको पता है, बात समझ में आई? और जब 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है तो इसमें से 35 प्लस का टारगेट लेके चलें, और अगर आप 35 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं तो आपको पता है कि 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। बात समझिए कितना चाहिए, 50% पासिंग मार्क्स चाहिए, और जब 100 नंबर का होता है तो सीधा सा फंडा है 50 नंबर चाहिए, और जब 50 नंबर चाहिए, जब 35-40 यही आ जाएगा तो 10-15 नंबर हमें पास होने के लिए और चाहिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो घसीट के पास होते हैं, बात समझ में आई, जो घसीट के पास होते हैं, घिसरा के ऐसे पास होते हैं, बात समझ, उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ जो लोग तैयारी करते हैं यस ग्रेड लाने के लिए, उनके लिए नहीं, उनके लिए भी ये है, लेकिन उन लोगों के लिए एग्जांपल बता रहा हूं जो लोग सोचते हैं बस किसी तरीके से सर जी हम पार हो जाएं, बस उनके लिए। तो वो लोग चाहे तो 35 प्लस का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं तो वो आराम से ओ लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 10-15 नंबर तो गधा हो लिख सकता है। बात समझ में आई? और मुझे लगता है आप बहुत समझदार हो, बड़े प्यारे हो, ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छी चीज मैंने बता दिया। इसके बाद मैराथन क्लास, ये तो नया वर्ड आपको सुनने में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल ही प्रोवाइड करता है, ओ लेवल की फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन क्लास देते हैं हम लोग, और इस क्लास की वजह से ही ये चैनल प्रसिद्ध हुआ है, पॉपुलर हुआ है। तो ये मैराथन क्लास जरूर देखें। हाँ, मैं मानता हूं ये 4 घंटे का होता है, 5 घंटे का होता है, लेकिन एक बात जान लो, ये 4 घंटे में 4 पेपर होता है, तो अगर आपको पढ़ना है तो 1 घंटे में 1 ही पेपर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग अपने पेपर को क्रिएट करते हैं, अपने पेपर को बनाते हैं, और उसके बाद उसे आप लोगों तक पहुंचाते हैं और सॉल्व करवाते हैं। बात समझ में आई? ये चीज हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखें कि आप लोगों को मैराथन क्लास जरूर करनी चाहिए ओ लेवल की, जिससे आप लोगों को प्रीवियस पेपर का आराम से डेटा भी मिल जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है किस पे? यूनिक ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे। क्लियर? नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रहा है यहाँ पे कि रिपीटेड क्वेश्चन, किसका दे रहा है? रिपीटेड क्वेश्चंस के टॉपिक को जरूर पढ़ें।
लोग कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन पढ़े, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बेकार चीज है। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन को समझना चाहिए और उसी क्वेश्चंस को, उसके टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला, टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन जरूर क्लियर होने वाला है। बात समझ में आई? अगर रिपीटेड क्वेश्चन के टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो जरूर क्लियर होने वाला है, लेकिन अगर रिपीटेड क्वेश्चन करके जाएंगे तो हो सकता है ना, लेकिन अगर टॉपिक पढ़ के घुमा फिरा के पूछेगा तो भी लो भैया लो पटक देंगे उठा के 100 में 100 नंबर। बात समझ में आई? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। हाँ भाई, मैं मानता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। क्यों सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि सबको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के ही अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसको भी जरूर पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार करें, क्लियर। और इसके बाद की बात अगर हम करें, तो एक सिंगल चैनल को आपको फॉलो जरूर करना चाहिए, चाहे मैं कोई भी चैनल हो। ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को फॉलो करो, किसी भी चैनल को फॉलो करो ये मायने नहीं रखता। एक को फॉलो करो और कंप्लीट नॉलेज उससे लो, ताकि उसका कोई भी वीडियो ना छूटे। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक चैनल वाला कंप्लीट पढ़ा ही देता है, हाँ कंप्लीट नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि कोई भी टॉपिक ना छूटे। इस वजह से अगर उसके चैनल को आप कंप्लीट, आप दूसरे को भी देखते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके चैनल की वीडियो मत छोड़ो, नहीं तो बाद में ब्लेम करोगे कि हम फलनवा चैनल से पढ़े थे, ढिमकवा चैनल से पढ़े थे और हमारा कुछ कल्याण नहीं हुआ। तो भैया गारंटी तुम्हारी है, फिर हमारी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आप एक चैनल को जरूर फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या फिर अगर कोई डाउट होता है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन करोगे तभी समस्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी समस्या को भाई बंधु के तरीके से आप 24/7 कभी भी कॉल करके सॉल्व करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद की बात अगर हम करें तो अगर इतना आप सॉल्व कर लेते हो तो बिना टेंशन के ओ लेवल में यस ग्रेड आने वाला है। बात समझ में आई? ओ लेवल में यस ग्रेड आने वाला है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको छोटी सी दे दूं यहां पे कि अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए या कंप्लीट डिटेल चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आप UNIQUE GROUP यूनिक ग्रुप ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन करके स्टोर सेक्शन में जा करके आप अपने मन पसंदीदा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज कंप्यूटर के कराए जाते हैं हमारे यहाँ, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8009012815 या 7275443048 पर। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए ओ लेवल विद रत्नाकर सर को टेलीग्राम पे सर्च करें, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सुधार करने की जरूरत है या क्या हमें अपडेट करने की जरूरत है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को जय हिंद।